अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस से रिलेटेड है। शो दैट डाइवर्जेंस कर्ल एफ इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम जानते हैं, डाइवर्जेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ग्रेडियंट एफ भी बोलते हैं। ये कर्ल एफ इक्वल टू जीरो के ऊपर प्रूव करना है। तो फंक्शन जो एफ है उसको मैंने यहाँ पर लेट किया एफ वन आई, एफ टू जे एंड एफ थ्री के। इसी तरह हमारे पास जो डाइवर्जेंस है उसको हमने कुछ इस तरह लिख दिया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये क्या है हमारे पास के। अब डाइवर्जेंस क्रॉस एफ, यहाँ पर कर्ल है तो कर्ल की वजह से ये हम जब क्रॉस में लेंगे तो इस तरह मॉड में ले लेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट आई जे के लिख लिए, यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और एफ फंक्शन की वैल्यू एफ वन एफ टू एफ थ्री। जिस तरह हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं उसी तरह पहले मैंने आई बाहर ले लिया, पहली रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, फिर इसी तरह सेकंड में मैंने माइनस का जे लिया है और यहाँ से मैंने ये कॉलम ये रो छोड़ दिया है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है क्योंकि यहाँ पर जो रो एंड कॉलम है ना, तो दूसरी रो है दूसरा कॉलम है फर्स्ट रो, ये ऑड वैल्यू है उसकी वजह से माइनस आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जब थर्ड रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये इवन की वजह से पॉजिटिव के बाहर आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ के। ये अब इसको मैंने इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये आई जे की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करना है डाइवर्जेंस, ये जो ऑपरेटर है हमारे पास डाइवर्जेंस का, इस ऑपरेटर को हमने फिर इस फॉर्म में लिख लिया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, ये वैल्यू आई जे की। अब हमने आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ लिख दिया, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। अब यहाँ से हमने ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, यहाँ पर पार्शियल एफ को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ भी, वाई वाली वैल्यू, पार्शियल जी को इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट आए। अब स्टूडेंट ये कैसे ज़ीरो आया है, अब देखें यहाँ पर एफ थ्री है, एफ थ्री असल में ये किसकी वैल्यू है, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये इस कंपोनेंट के बराबर है। पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पर जी है नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई के लिहाज से है, और एफ थ्री जो है यहाँ पर जी के लिहाज से, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें ये कैसे ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पर देखें एफ टू, एफ टू की वैल्यू तो हमारे पास वाई है लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है इसलिए ये भी ज़ीरो, और एफ थ्री की वैल्यू जो है वो जी है, यहाँ पर नहीं है ये भी ज़ीरो, एफ वन की वैल्यू एक्स या एक्स नहीं है ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पर एफ टू की वैल्यू क्या होती है, वाई के इक्वल एफ टू नहीं है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, पार्शली डेरिवेटिव में ये ज़ीरो। इसी तरह एफ वन क्या है, वो एक्स की वैल्यू होगी लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, जी और एक्स ये भी ज़ीरो, ये सारे हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो हमने यहाँ पर यही फाइंड करना था कि डाइवर्जेंस कर्ल एफ जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।